श्री चित्रगुप्त कायस्थ समाज गोंदिया द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चित्रगुप्त भगवान के पूजन समारोह का आयोजन 15 नवंबर को मनोहर म्युनिसिपल हाई स्कूल के प्रांगण में किया गया। चित्रगुप्त भगवान के पूजन के कार्यक्रम के पश्चात छोटे बच्चे तथा बड़े बच्चे के लिए संगीत कुर्सी का आयोजन किया गया था तथा महिलाओं एवं पुरुषों के लिए आकस्मिक प्रश्नावली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में समाज के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, सचिव अमित श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष योगेश वर्मा, प्रदीप श्रीवास्तव, सुमित श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, नीरज वर्मा, संजय श्रीवास्तव, महिला अध्यक्ष मोना श्रीवास्तव, अंजलि वर्मा और समाज के सभी पुरुष एवं महिला सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, जहां सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन रमेश श्रीवास्तव और मोना श्रीवास्तव द्वारा किया गया। चित्रगुप्त काय समाज के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा चित्रगुप्त काय समाज 42 वर्ष पूर्ण कर चुका है और बहुत संगठित कायस्थ लोग जैसे हैं, पढ़े लिखे लोगों का समाज है। हम सब, मैं यहाँ की महिला अध्यक्ष हूँ, मैं श्रीमती मोना श्रीवास्तव, हम यहाँ चित्रगुप्त काय समाज के सौजन्य से कई सारी गतिविधियाँ करते हैं, जिसमें हर साल हम सहल आयोजित करते हैं, ट्रिप आयोजित करते हैं, महिलाओं का सामूहिक हल्दी कुकू का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और परिवार के और परिवार मतलब हमारे कायस्थ परिवार और परिवार के बाहर के लोगों के साथ समाज सेवा से जुड़े हुए कई कार्य करते हैं, जिसमें सभी के सुख दुख में शामिल होना और ग्रामीण सूची में आए हुए बच्चों का स्वागत करना और कई सारे ऐसे कार्यों के साथ हम जुड़े हैं और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। नमस्कार, मैं कमलेश श्रीवास्तव का समाज गोंदिया अध्यक्ष हूँ। आपको बताना चाहता हूँ इस बार हम 42 बार ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं और इस प्रोग्राम के साथ में हम सभी कायस्थ बंधु जो गोंदिया में रहते हैं उनका एक स्नेह सम्मेलन भी हो जाता है। पूजा और करम दवात की पूजा हम सब मिलकर यहाँ पर करते हैं और हर्षोल्लास से सब कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। मेरा नाम मनीष वर्मा, बहुत से बच्चों के, महिलाओं के, सभी के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। NBC न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।